1630 का साल था वो। समूचे हिंदुस्तान पर 3 सल्तनतों का राज्य था। उत्तर में मुगल शाही, दक्षिण यानी दक्कन में एक तो बीजापुर की आदिल शाही और दूसरी गोलकुंडा की कुतुब शाही, जिन्होंने कभी इस मिट्टी को अपना नहीं समझा बल्कि स्वयं को इसका विजेता समझा। उनके शासन का मतलब सिर्फ लूटपाट, धर्म परिवर्तन और अधर्म का साम्राज्य कायम करना था। चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य था कि तभी सन 1630 ईस्वी में सह्याद्री की पहाड़ियों से एक सूरज निकला, जिसने इन तीनों तानाशाहियों को नाकों चने चबवा दिए और उनकी नाक के नीचे एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। हम सब इस इंदवा सूरज का नाम जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं। जो 65 किलो की तलवार चलाता है उनका नाम यस्सा जी, जो 2000 सैनिकों से अकेला लड़ता है उनका नाम बाजी, जो हाथ कट गया फिर भी लड़ता है उनका नाम तानाजी, जो 8 घंटे में घोड़ा दिल्ली से पुणे लेकर आता है उनका नाम संताजी, जो सिर्फ 700 मराठों को लेकर 30,000 मुगलों को भगाता है उनका नाम रामजी, जो मुगलों के घरों में घुसकर उन्हें उल्लू बनाकर जासूसी करता है उनका नाम बहीर जी, जो सैयद बंडा का वार करने वाला हाथ ऊपर के ऊपर ही उड़ाता है उनका नाम जीवाजी, जो अफजल खान का सिर काट कर लाता है उनका नाम संभाजी कावजी, जो शत्रु की छावनियों में घुसकर वार करता है उनका नाम धन्ना जी, जो शेर के साथ लड़कर उसको फाड़ डालता है उनका नाम छत्रपति संभाजी, और जो इन सबको साथ लेकर साम्राज्य निर्माण करता है उन महावीर का नाम छत्रपति शिवाजी। वैसे तो यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किंतु फिर भी भारत का इतिहास कुछ ऐसे लोगों ने लिखा है जिन्होंने केवल दिल्ली सल्तनतों और मुगलिया राजदरबारियों का ही गुणगान किया है। इसलिए आवश्यकता है कि ऐसे सूरवीरों की गाथाएं जन जन तक पहुंचे। 19 फरवरी 1630 ईस्वी को सिवनेरी के द्रुग में शाहजी भोसले की पत्नी जीजाऊ यानी माता जीजाबाई को उनका दूसरा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिनका नाम सिवनेरी द्रुग में जन्म लेने के कारण शिवा या शिवबा रखा गया। माता जीजाबाई के ज्येष्ठ पुत्र का नाम संभाजी था, जो कर्नाटक में अपने पिता शाहजी के साथ रहते थे। शिवाजी महाराज का बचपन माता जीजाबाई से रामायण, महाभारत और वीरता की कथाएं सुनते हुए तथा दादाजी कोणदेव की निगरानी में शस्त्र शिक्षा लेते हुए भी था। तब किसे खबर थी कि यह बालक अपने नाम को सार्थक करते हुए इतना असाधारण निकल आएगा। अल्पायु में ही सह्याद्री की पहाड़ियों से निकले सूरज ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त कर ली और अपने पिता से भेंट करने कर्नाटक गए। पिता उन्हें लेकर आदिल शाह के दरबार में गए। पिता ने सुल्तान को प्रणाम किया, किंतु निर्भय शिवा ने सुल्तान को मुजरा नहीं किया और तभी से पिता की झुकती गर्दन को देखते हुए अपनी माटी में अपना राज्य स्थापित करने की कसम खा ली। वे माता के साथ पुणे लौटे, लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि के दिन रोहिणेश्वर महादेव के सामने शपथ लेते हुए अपनी माटी में अपना राज यानी स्वराज स्थापित करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसी समय अनेक विश्वासपात्र मित्र जैसे तानाजी, सूर्य जी, यशा जी, बहिर जी आदि उनसे जुड़ते चले गए और उसी समय उन्होंने उसी अल्पायु में ही तोरणा के किले पर हमला बोल दिया। बिना अधिक श्रम किए तोरणा का किला फतेह कर लिया गया। यह स्वराज्य का पहला कदम था। इसके बाद वो दक्कन का शेर कहाँ रुकने वाला था, उसने एक के बाद एक किले जीतने और स्वराज्य में शामिल करने शुरू कर दिए। सदियों बाद मराठी जनता में एक शक्ति का संचार हुआ और हिंदू रक्त उबाल मारने लगा। लोग जुड़ते गए, किले जीतते गए और स्वराज्य खड़ा होता गया। एक 25-30 साल के लड़के की बढ़ती शक्ति ने न सिर्फ दक्कन के सुल्तानों बल्कि आगरा और दिल्ली में बैठे मुगलिया दरबार की नींव हिलाकर रख दी थी। शिवाजी महाराज के बढ़ते कदमों से घबराकर जब बीजापुर का सुल्तान उन पर लगाम नहीं लगा सका तो उसने धोखे से उनके पिता शाहजी को कैद करवा लिया और उनके ज्येष्ठ भाई संभाजी को एक युद्ध में धोखे से तोप के गोले से उड़वा दिया। खबर मिलते ही वो सूरज क्रोध में इतना लाल हुआ कि भोर की लालिमा भी शर्मा जाए, पर फिर भी उसने धैर्य और नीति का सहारा लिया और पितृभक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए जिन मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया उन्हीं मुगलों से संधि कर ली। बदले में कुछ प्रदेश मुगलों को देने भी पड़े, किंतु पिता की आजादी से बड़ा सुख और क्या हो सकता था। अनेक किले और बड़े प्रदेश छिन गए, पर वह शेर फिर भी न रुका, न थमा, न थका। उसने पुनः स्वराज्य में किलों को जीतना और शामिल करना शुरू कर दिया। सल्तनत एक बार फिर घबरा उठी।
तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपने पास बुलवाया। शिवाजी महाराज अफजल खान के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि वह इंसान नहीं है, हैवान का प्रतिरूप है। उनका क्रोध यह जानकर और भी चरम पर था कि राजगढ़ आने से पहले अफजल खान ने उनकी कुलदेवी, उनकी अधिष्ठात्री देवी तुलजापुर की माँ भवानी की मूर्ति तोड़ी है। अफजल हरे रंग का सपना वाले भगवा की मिट्टी पर आया था, पर वह नहीं जानता था कि वह स्वयं काल का ग्रास बनने जा रहा था। अफजल से मिलना तय हुआ। महाराज जानते थे कि वह छल करेगा, इसलिए उन्होंने कपड़ों के अंदर ढाल बांध ली और उंगलियों में व्यग्र नख पहन लिया। अफजल आया, दोनों गले मिले और जो ही अफजल खान ने शिवाजी को बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, शिवाजी महाराज ने हाथ में छिपे बगनके से उसका पेट बीचों बीच चीर डाला। अफजल मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबा कर भाग गई और जो बची आसपास की पहाड़ियों में तैनात शिवाजी महाराज की सेना ने उनका सफाया कर दिया। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार शाइस्ता खां को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। लड़ाई से पहले ही महाराज शिवाजी ने कुछ ही लोगों को साथ लेकर लाल महल में आराम फरमा रहे शाइस्ता खान पर हमला बोल दिया और उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसी मुठभेड़ में शाइस्ता खान अपनी जान बचाने के लिए छज्जे से नीचे कूदा, पर अंधेरे में बिना देखे महाराज ने उस पर तलवार का जोरदार वार कर दिया और उसकी तीन अंगुलियां कट गई। 3 साल तक पुणे के लाल महल पर कब्जा करने का बदला शाइस्ता खान को अपनी 3 उंगलियां देकर चुकाना पड़ा। इसके बाद शाइस्ता खान कभी पुणे नहीं आया। कहते हैं उसके भीतर शिवाजी का भय इतना व्याप्त था कि एक बार जब वह अपनी बेगम के साथ अपने महल में था, तभी हवा की वजह से प्याला गिरा। वह घबरा उठा। उसकी बेगम ने कहा, कुछ नहीं हवा है। तो शाइस्ता खान ने डरते हुए कहा, मुझे लगा सिवा है। ये खौफ था मुगलों में दक्कन के उस सूरज का, उस राजा का। एक नहीं अनेक रूप थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। पिता की कैद पर पितृभक्ति दिखाते हुए अपने जीते किले मुगलों को वापस कर देने वाला रूप, आदिल शाह के दरबार में जाकर भी उसके सामने माथा न झुकाने वाला रूप। अफजल खान द्वारा अपनी माँ भवानी तुलजा की मूर्ति तोड़ने का समाचार पाकर आग बबूला हो जाने वाला रूप, और अफजल को मारने के बाद उसका शीश अपनी माता के चरणों में बैठ करके उसे महल के प्रवेश द्वार पर गाड़ देने का आदेश देने वाला रूप। औरंगजेब के बड़े दरबार में अपने अपमान से क्रोधित होकर, इस दरबार में मैं फिर कभी ना आऊंगा, कहकर तमतमाते हुए बिना किसी की परवाह किए निकल जाने वाला राजा पुनः आगरा में औरंगजेब की कैद से लड्डू की टोकरियों में बैठकर चुपचाप निकल आने वाला रूप, अपने हर एक सरदार हर एक मित्र की वीरता पर उसे सम्मान देने वाला और उनके बलिदान पर फफक कर रोने वाले राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रताप राव और तानाजी की मृत्यु पर अपनी सुध-बुध भूलकर कई दिनों तक भोजन तक न करने वाला राजा, यह उनके मित्र प्रेम की पराकाष्ठा थी। उमरट के उस गांव में हजारों आंखें खुशी के आंसू रोई थी जब अपने पुत्र रायबा का ब्याह छोड़कर तानाजी कोंडाना जीतने चल पड़े और अपना बलिदान देकर विद्रोह को जीता, और उनके रायबा की शादी उसी दिन तय मुहूर्त पर ही स्वयं महाराज ने पहुंचकर करवाई थी। महादेव और आदि शक्ति का अनन्य भक्त वह राजा केवल एक राजा नहीं था, वह मराठा धरती का वह लाल था जिसने लाखों सुप्त पड़ी नसों में ऊर्जा जगाई, जिसने संपूर्ण महाराष्ट्र और बाद में दक्षिण को एक किया और अंत तक क्रूर औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत की नींद हराम किए रखी। आलमगीर औरंगजेब हमेशा तस्बीह के मन के फेरा करता था और शिवाजी महाराज गले में भोसले कुल और देवी तुलजा भवानी की आशीष की परिचायक कपरदीक की माला गले में धारण किए रहते थे। हर अच्छी या बुरी खबर सुनते ही उनका हाथ कपरदीक की उस माला पर चला जाता था और मुंह से जगदम्ब हे जगदम्ब निकल पड़ता था। तस्बीह के मन को ने कभी औरंगजेब के अखंड हिंदुस्तान का बादशाह बनने का स्वप्न पूरा नहीं होने दिया, और माता भवानी की उस कपरदीक की माला ने शाहजी के उस बेटे को समुचे दक्कन का छत्रपति राजा बना दिया। सन 1674 में सदियों बाद पहली बार किसी हिंदू राजा का संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से राज्याभिषेक हुआ था, और तब यह राजा छत्रपति कहलाया। हिंदुओं के लिए एक अलग राजगद्दी बन गई है, यह समाचार पाकर औरंगजेब अपना सर पकड़कर रोया था।
वह छत्रपति राजा जो औरंगजेब द्वारा तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना करना चाहता था और इस घटना से क्रोधित होकर उसने अंग्रेजों और मुगलों की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी सूरत को दो बार लूटकर बेसूरत बना दिया था। उसी क्रोध में उसने मुगलों से की हुई हर संधि तोड़ दी। वह छत्रपति राजा दक्षिण को एक अरब उत्तर की ओर बढ़ना चाहता था, काशी में बाबा विश्वनाथ की पुनः स्थापना करना चाहता था, किंतु नियति को शायद यह मंजूर नहीं था और मात्र 50 वर्ष की आयु में ही शिवनेरी में उदित हुआ वह सूरज रायगढ़ में अस्त हो गया। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी का वह काला दिन था जिसने उस हिंदू पद बादशाह राजा को हिंदुस्तान से छीन लिया। किंतु उस दिन केवल वह राजा ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन इतिहास के एक अध्याय की समाप्ति हुई थी, एक युग की समाप्ति हुई थी, एक कालखंड की समाप्ति हुई थी। दोस्तों, हिंदू पद बादशाह है छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।